आज मेरे दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे लेकर के बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे आज एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल। कल कुछ कारणवश बीच में ही मैंने क्लास स्टॉप कर दिया था, बिना कुछ कहे आपसे विदा ले लिया था, तो उसके लिए सॉरी। आज मैं आप लोगों को एक नया चीज बताने जा रहा हूं, वो है एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल। एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल जरा ध्यान से देखेंगे भाई, एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या है। एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल, हम इन सेंटर पढ़े थे, इन सेंटर के बारे में हमने देखा था दोस्त कि इन सेंटर जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यानी अंतःकोणों के समद्विभाजक को के अंतःकोणों के समद्विभाजक जहां एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसी को कहते हैं इन सेंटर। लेकिन आज बात है एक्स सेंटर की। अंतर सिर्फ इतना है कि इन सेंटर में इन था आगे में, एक्स सेंटर में सेंटर के आगे सिर्फ एक्स है। तो आइए देखते हैं इन सेंटर से एक्स सेंटर को कैसे जानते हैं। एक ट्रायंगल हम बनाते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखोगे एक ट्रायंगल, ये आपका ए बी और सी है, ये एक ट्रायंगल है। और ध्यान से देखेंगे मेरे, ये आपका ट्रायंगल है, आपने कल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा था, ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। यहां कट करती थी तो ये आपका कहलाता था इन सेंटर। इन सेंटर आइए एक बात जानते, एक्स सेंटर क्या होता है सर। एक्स सेंटर जरा ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, परेशान नहीं होना है दोस्त, बिल्कुल आसान है। ए बी सी आ जाओ, ये आपका एक काम करो, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अच्छा से बनाओ इस तरह से, ताकि हमारा जो है एक्सटर्नल एंगल, मैंने इसको मिटा दिया, इसके पीछे कारण यह है कि एक्सटर्नल एंगल को हम रिप्रेजेंट नहीं दिखा शो नहीं कर पा रहे थे। आइए एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कि हमारा एक्सटर्नल एंगल अच्छी तरह दिखे। अब दिख रहा है, ये आपका बीच वाला ट्रायंगल है ए बी सी। आ जाओ मेरे भाई ए बी सी, ये आपका, अगर हम बात करें ए के सामने वाले साइड को तो क्या है बी सी है, और ये आपका एक्सटर्नल एंगल है, ये भी आपका क्या है एक्सटर्नल एंगल। अब इस दोनों एंगल के, इस दोनों एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर को लो, चलिए इसका बाइसेक्टर लिए, यहां कट कर गया। अब ये जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसको मीट करेगा, तो सर ये जो है ये दोनों का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेगा वही आपका क्या हो जाएगा एक्स सेंटर। और फिर जब हम इसको इसको रेडियस मान करके, एक रेडियस मान करके जब हम सर्किल खींचेंगे तो ये जो है ये तीनों साइड के एक्सटर्नल पार्ट को टच करती हुई जाएगी। चलिए ये आपका क्या हो गया एक्स सेंटर, और ये कहलाता है आई वन, ये आपका क्या कहलाता है आई वन। ठीक इसी तरह इसका इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ले लीजिए। चलिए सर ये आपका हो गया और फिर ये आपका हो गया, तो ये आपका हो गया आपका आई टू हो गया, ये सेकेंड एक्स सेंटर हो गया। और फिर अगर हम इसका बाइसेक्टर लें, इसका बाइसेक्टर ये आपका, इसका बाइसेक्टर ये हो गया और फिर इसका बाइसेक्टर ये हो गया। तो जरा बोलो भाई ये क्या हो गया आपका एक्स सेंटर। ये आई वन है, ये आपका आई टू है, ये आपका आई थ्री है, आई थ्री है। अब सवाल आपको कैसे पूछेगा, ए का कोऑर्डिनेट दे देगा एक्स वन कोमा वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट देगा एक्स टू कोमा वाई टू, सी का कोऑर्डिनेट दे देगा आपको एक्स थ्री कोमा वाई थ्री। आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, जैसे I1 निकालना है तो I1 के लिए X जो होगा वो आपका, जरा बताओ A के सामने वाली भुजा क्या होती है स्मॉल a, B के सामने वाली भुजा क्या होती है स्मॉल b, C के सामने वाली भुजा क्या होती है स्मॉल c, ये आपका ए बी सी हो गया।
कुछ नहीं, आप इनसेंटर निकाले हुए हैं, बस करना क्या है इस a से इसको गुना कीजिए और यहाँ लगा दीजिए निगेटिव माइनस ए एक्स वन, बाकी सब कुछ वही रहेगा, बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। फिर I1 के लिए y निकालना है तो ये आपका माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, ये आपका क्या हो गया a माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका इन सेंटर सॉरी x सेंटर हो गया, x सेंटर फर्स्ट x सेंटर हो गया। इसी तरह से जब हमको सेकेंड x सेंटर निकालना पड़ेगा तो सेकेंड x सेंटर निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे, सेकेंड x सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड x सेंटर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आई टू एक्स निकालना है। तो चलो अब ये माइनस चला जाएगा यहाँ, ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। फिर आई टू वाई निकालना है, आई टू वाई निकालना है तो चलो भाई क्या हो जाएगा, ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। चलिए अब फिर सर, फिर आपको आई थ्री एक्स निकालना है तो ये माइनस जो है यहां चला आएगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। और फिर आई टू वाई जो हो जाएगा सर, आई टू वाई ये आपका हो जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो ये आपका फाइनली आ गया। हाँ ये ध्यान से अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो इस तरह से आप एक्स सेंटर निकाल सकते हैं, एक्स सेंटर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आइए इस पर हम कुछ सवाल करते हैं। जैसे आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है मेरे भाई, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, चलिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 2.5, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 6.5 और सी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 6.2। और हमको I2 पूछा था, I2 पूछा था, सेकेंड एक्स सेंटर पूछा था। चलो भाई सेकेंड एक्स सेंटर का फॉर्मूला आपको यहां दिख रहा है, यहां इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिलहाल हम इसको बनाते हैं इस सवाल को। हम I1 और I3 वाला मिटा देते हैं, I2 वाला रहने देते हैं। आ जाओ मेरे भाई देखो आपका क्या है, I2 निकालना है तो पहले I2x निकालेंगे। I2x निकालने के लिए सर पहले सारा साइड चाहिए, a चाहिए b चाहिए और c चाहिए। a c के जगह पे कितना था मिट गया, c के जगह पे 6.2 है, c के जगह पे आपका 6.2 है। चलो भाई आपको पहले a निकालना है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे तो आपका ये देखिए 6 - 6 का होल स्क्वायर तो 0, 2 - 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3। तो आपका a आ गया कितना 3 आ गया। फिर b को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, 2 - 6 का होल स्क्वायर तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर तो 3 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 = 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपका b आ गया 5। फिर इसी तरह c का वैल्यू निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, आपको आता है 5 - 5 तो 0 हो गया, हटा दो, 2 - 6 का होल स्क्वायर ये आपका -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4 आ गया। अब देखो मेरे भाई आपका a b c कितना आ गया, a आ गया सर, a आ गया 3। चलो भाई b कितना आ गया बोलो भाई, 5 आ गया और c कितना आ गया 4 आ गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ x सेंटर, क्या निकालना है x सेंटर, जरा देखो x सेंटर कैसे निकलेगा। तो चलो ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री ना, चलो 3 × 2 माइनस बी एक्स टू 5 × कितना 6, x2 कितना है 6 है, 5 × 6
प्लस सी एक्स थ्री तो कितना हो जाएगा बोलो बाबू, चार गुना छ, चार गुना छ अपॉन अपॉन ए माइनस बी प्लस सी ना, तीन क्या है ए माइनस बी प्लस सी, तीन माइनस पांच प्लस कितना बोलो भाई चार, तीन दुनी छ होता है, छह चौके चौबीस होता है, चौबीस छ तीस, तीस में सर तीस कैंसिल हो गया तो ये तो जीरो आ गया सर। फिर आई टू वाई निकाल लो भाई, आई टू वाई निकाल लो, आई टू वाई कितना हो जाएगा चलो आई टू वाई तो सर ए वाई वन तो तीन गुना कितना पांच, तीन गुना पांच माइनस पांच गुना कितना बोलो भाई पांच गुना पांच, पांच गुना पांच प्लस सर बोलो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका चार गुना कितना दो, चार गुना दो, बाकी नीचे तो यही वाला आ जाएगा तीन माइनस पांच प्लस चार, ये आपका आ गया तीन पचे पंद्रह चार दुनी आठ, पंद्रह आठ तेईस, तेईस में पच्चीस गया कितना माइनस दो, चार तीन सात, सात में पांच गया दो, दो दो कैंसिल हो गया कितना बच गया माइनस वन, इसलिए आपका एक्स सेंटर आ गया, एक्स सेंटर कितना आ गया बोलो भाई जीरो कोमा माइनस वन, ये आपका आंसर हो गया। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको केयरफुली नोट कर लीजिए, धन्यवाद। तो अब एक नया चीज आ गया, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, जरा ध्यान से देखो बाबू, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा ये कि ये सर्कम सेंटर क्या है, ए बी सी ये है। अब जरा बताओ सर्कम सेंटर किसको कहते हैं, हिंदी में अगर बोले इसको तो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र होता है। तो आओ सर्कम सेंटर हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहला काम एक काम करते हैं इस बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए, उसके बाद फिर एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए, एसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए, फिर आप क्या करेंगे इसका ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए। तो आप देखेंगे जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच चुके होंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तीनों साइड का, ये तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक खास पॉइंट से गुजरती है, इसी पॉइंट को एक स्पेशल पॉइंट से गुजरती है, इसी पॉइंट को क्या नाम दिया गया सर्कम सेंटर, यानी सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स, तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट एक दूसरे को जहां मीट करता है इंटरसेक्ट करता है उसी को आप क्या कहेंगे, उसी को आप कहेंगे सर्कम सेंटर ना। तो सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, तीनों साइड्स के तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को क्या कहोगे सर्कम सेंटर। अब आप एक बात और जानते होंगे मेरे भाई, ये जो सर्कम सेंटर है सर, इसको सर्कम सेंटर इसलिए कहा गया क्योंकि सर जब इसको इससे मिलाते हैं, इसको इस सेंटर को ए से मिला दो, इस सेंटर को बी से मिला दो, फिर इस सेंटर को सी से मिला दो, इस सेंटर को सी से मिला दो, तो ये ओ ए बराबर होता है ओ बी, ये बराबर क्या हो जाता है ओ सी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या ओ सी। और मेरे भाई यही कारण है कि जब हम इसको रेडियस मान करके, इसको रेडियस मान करके और इसको सेंटर मान करके एक सर्किल खींचते हैं तो ये तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरती है, ये तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरती है, ये आपका क्या हो गया सर्कम सर्किल हो गया, ये आपका क्या कहलाता है मेरे भाई सर्कम सर्किल,
सरकम सर्किट, यानी सरकम सेंटर को केंद्र मान करके, सेंटर मान करके, और इस ओए को या ओबी को या फिर ओसी को रेडियस मान करके आप सर्किल खींचते हैं। ये तीनों वर्टेक्स से होकर के गुजरती है, ये आपका सरकम सर्किल हो गया, और ओए क्या हो गया, सरकम सर्किल का रेडियस हो गया। तो अगर आपको सरकम सेंटर निकालना है तो मेरे भाई आपको सवाल में क्या दिया रहेगा, ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ए एक्स वन वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा एक्स टू कोमा वाई टू, सी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा एक्स थ्री कोमा वाई थ्री। ए का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वन कोमा वाई वन, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स टू कोमा वाई टू, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स थ्री कोमा वाई थ्री। अब जरा देखो बच्चों ध्यान से, जब आपको एक्स वन वाई वन दिया हुआ है, अगर हम एच कोमा के मान लेते हैं इसको, तो सर हमारे पास दो अननोन है एच और के। अगर हमारे पास दो अननोन हो तो प्रॉब्लम को बनाते वक्त हमको सबसे पहले इस बात पर सोचना चाहिए कि हमको किसी तरह दो इक्वेशन मिल जाए। दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन चाहिए, चार अननोन है तो चार इक्वेशन चाहिए, एक अननोन है तो एक इक्वेशन चाहिए। इस बात को एकदम गंभीरता से थोड़ा समझिएगा। OA बराबर OB बराबर क्या OC, एक काम करेंगे OA बराबर OB से आपका फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, OA बराबर OC से आपका सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे भाई जब दो इक्वेशन आएगा तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो है सरकम सेंटर आ जाएगा, एच का ही वैल्यू आ जाएगा, के का ही वैल्यू आ जाएगा। तो आइए इस पर एक सवाल करते हैं। आइए बच्चों अब एक सवाल लेते हैं। एक सवाल है जैसे आपका एक ट्रायंगल है, इसमें इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वन टू थ्री फाइव और टू फोर, ये दिया हुआ है। हमको निकालना है इसका सरकम सेंटर। अब देखो भाव इसका सरकम सेंटर कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम सर लेट, सरकम सेंटर को हम मान लिए लेट ओ, सरकम सेंटर को मान लिए ओ और इसका कोऑर्डिनेट मान लिए एच कोमा के। अब जरा बोलो, अब यहां जब सर ओ है वो एच कोमा के है जो सरकम सेंटर है, तो सर ये ओए जो है ये ओबी के बराबर होगा और ओए जो है ओसी के बराबर भी होगा। चलिए सुखी सर ओए बराबर क्या ओबी, सर जब ओए बराबर ओबी है तो ओए का स्क्वायर भी ओबी के स्क्वायर के बराबर होगा। आइए ओए का स्क्वायर निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस टू का होल स्क्वायर। फिर यहां से क्या हो जाएगा जरा बोलो भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी, ये आपका सी है, ये आपका क्या हो जाएगा एच माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस के माइनस फाइव का होल स्क्वायर होगा। अब जरा देखो मेरे भाई एच माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एच, के माइनस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर के। अब जरा देखो ध्यान से एच माइनस थ्री का होल स्क्वायर है एच स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एच प्लस के स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन के, हो गया। अब जरा देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब करेंगे क्या, ये जो माइनस टू एच है इधर, इधर क्या है माइनस सिक्स एच, जरा बोलो ये सिक्स एच को इधर लाओगे तो सिक्स एच में टू एच चला जाएगा तो कितना हो जाएगा फोर एच। अब ये टेन के इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में, टेन के माइनस फोर के प्लस कितना हो गया सिक्स के। अब चलो इधर चार एक पांच कांस्टेंट टर्म को देखो जरा, चार एक पांच हो गया और इधर कांस्टेंट टर्म नौ जोर पच्चीस कितना हो गया चौतीस, चौतीस में पांच घटा दो तो कितना हो जाएगा उन्तीस हो जाएगा, फोर एच प्लस सिक्स के इज इक्वल टू उन्तीस। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। आ जाओ पुनः सर अगेन 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 ओ ए बराबर क्या लेंगे
ओसी ले लेंगे, ओए बराबर ओसी, तो ओए कितना हो जाएगा एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर ओसी कितना हो जाएगा बोलो तो बाबू, एच माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस के माइनस फोर का होल स्क्वायर। आप कहेंगे ओए है स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर भी तो बराबर होगा, आ जाओ अब क्या करोगे फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, एच स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एच प्लस के माइनस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर के, फिर एच माइनस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एच प्लस के स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट के हो गया। अब चलो बाप एच स्क्वायर से तो एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर के स्क्वायर से तो के स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जरा बताना बाबू, ये आपका माइनस टू एच है, ये इधर आपका माइनस फोर एच है, ये इधर से चला आएगा इधर, तो फोर एच में टू एच घट जाएगा, कितना बचेगा टू एच बचेगा। फिर यहाँ आपका माइनस एट के है, इधर माइनस फोर के है, एट के को इधर ले आएंगे तो साइन चेंज होगा, एट के माइनस फोर के प्लस कितना हो जाएगा फोर के, चार एक पांच हो गया उधर, इधर उधर सोलह चार बीस हो गया, बीस में पांच चला गया तो कितना पंद्रह आ गया, टू एच प्लस फोर के ये आपका कितना आ गया बोलो भाई पंद्रह आ गया। एक काम कीजिए, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया, एक काम हम क्या करते हैं इसमें टू में हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं और वन में इसको माइनस कर देते हैं, वन में इसको क्या कर देते हैं माइनस। तो चलिए ऑपरेट ऑपरेट क्या करोगे, वन माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो सर फोर एच प्लस सिक्स के ऊपर है ट्वेंटी नाइन और नीचे अगर टू से गुना कर देंगे तो फोर एच प्लस एट के आ जाएगा और फिर पंद्रह दूनी तीस आ जाएगा। अब इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, फोर एच तो फोर एच से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस टू के आ जाएगा, उन्तीस में तीस चला गया तो माइनस एक, के का मान कितना आ गया जरा बोलो, के का मान आ गया वन बाई टू, के का मान कितना आ गया वन बाई टू। चलो मेरे भाई ये तो ऑपरेट कर दिए तो के का मान आ गया, अब फिर एच का मान निकालना है तो के का मान किसी भी इक्वेशन में क्या करोगे पुट कर दोगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में के का मान पुट कर देंगे, फोर एच प्लस सिक्स के, के का मान कितना है वन अपॉन टू इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन, टू थ्री जा सिक्स हो गया, इम्प्लाइज फोर एच इज इक्वल टू थ्री, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, नौ में तीन गया कितना छ छब्बीस हो गया, एच इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स अपॉन फोर, टू टू जा फोर, टू थर्टीन जा ट्वेंटी सिक्स, ये आपका थर्टीन बाई टू आ गया, एच का मान आ गया थर्टीन बाई टू और के का मान गया आ गया वन बाई टू, इसलिए आपका सर्कम सेंटर हो गया थर्टीन बाई टू कोमा वन बाई टू। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आ जाओ मेरे भाई अब देखते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ध्यान से देखेंगे, ये आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है, ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं, ऑर्थो सेंटर को समझने के लिए सबसे पहले एक काम कीजिए, इस ए से इस पर परपेंडिकुलर डालिए, इस ए से अल्टीट्यूड खींचेंगे, ये आपका अल्टीट्यूड हो गया, बी से इस पर अल्टीट्यूड खींचिए, ये आपका ए एम, ये आपका बी एन और ये आपका एक काम कीजिए, ये आपका एडी लंब, ये आपका बी लंब हो गया, ये आपका सीएफ लंब हो गया। ऑर्थो सेंटर को हमेशा एच से इंडिकेट किया जाता है, एच से, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, तो तीनों अल्टीट्यूड, तीनों अल्टीट्यूड जो है, तीनों अल्टीट्यूड एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती है वही क्या हो जाएगा ऑर्थो सेंटर।
तीनों वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर, तीनों वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर जो परपेंडिकुलर खींचा गया, जो अल्टीट्यूड खींचा गया, उसी को आप क्या कहोगे, उसी को हम लोग जो अल्टीट्यूड की उसी के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहोगे, हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे। आ जाओ, अब इसका ऑर्थो सेंटर कैसे निकाल रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा स्लोप का कॉन्सेप्ट हमने अभी छोड़ दिया है, सोचे उसको स्ट्रेट लाइन में बताएंगे, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ आपको दिया जा रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। स्लोप आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से गुजर रही है x1, y1, x2, y2, स्लोप को जो है जनरली m से इंडिकेट किया जाता है, m बराबर आपका हो जाएगा y2 - y1 upon x2 - x1। तो अगर कोई लाइन दो पॉइंट से क्रॉस कर रही हो तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1 upon x2 - x1, ये इस लाइन का स्लोप हो गया। अब जरा देखो मेरे भाई, आपको a का कोऑर्डिनेट पता है x1, y1, b का कोऑर्डिनेट पता है x2, y2, और c का कोऑर्डिनेट पता है x3, y3, ये आपको दे देगा और आपको कहेगा सर्कम सेंटर निकालिए। अब जरा बताओ, हम मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट h, k मान लेते हैं। चलिए हमने h, k मान लिया, तो सर इससे इसका स्लोप तो हम निकाल सकते हैं k - y1 upon h - x1 ना, तो ah यानी ad, ah means ad ना, ad जो है सर इस पर परपेंडिकुलर है, दो लंबवत रेखा, दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो होता है, अगर ये आपका, ये अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, अभी सिर्फ समझ लेने का प्रयास किया, बाद में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा कितने के बराबर होता है, -1 के बराबर, और दो पैरेलल लाइन का स्लोप जो होता है, अगर ये m1 ये m2 तो m1 बराबर हो जाता है m2। हमेशा याद रखिएगा, दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो सर आपको m ऑफ ah या m ऑफ ad, स्लोप ऑफ ad गुना स्लोप ऑफ bc निकाल लीजिए, ये कितना आना चाहिए, -1। यहां भी वही काम करना है सर, दो इक्वेशन हमको पता होना चाहिए, दो इक्वेशन अगर पता चल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दो अननोन ही तो है सर, एम ए डी कीजिए गुना एम बी सी, यानी ए डी का स्लोप गुना बी सी का स्लोप बराबर कितना होना चाहिए, -1। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा, फिर किसी को भी ले लीजिए, एम बी एम बी यानी बी का स्लोप गुना ए सी का स्लोप, ए सी का स्लोप ये कितना आना चाहिए, -1। This is called equation second. दो इक्वेशन आएगा, दो अननोन है, आराम से आप ऑर्थो सेंटर निकाल लोगे, इसको नोट कर लीजिए। चलो भाई एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रेंगल हुज वर्टिसेस आर 0, 0, 3, 4 and 4, 0। आइए बच्चे, इसका हम लोगों को तो बनाना है पहले फिगर, फिगर कैसे बनाओ, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, अब 0, 0 तो पहले से दिख रहा है, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, चलिए यहाँ पे कहीं होगा 3, 4 होगा, फिर 4, 0 x कोऑर्डिनेट 4, 4, 0, चलिए ये आपका 4, 0 हो गया सर, ये इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये आपका फाइनली आ गया ट्रायंगल। अब इसका हमको ऑर्थो सेंटर निकालना है। अब एक बात बताओ भाई, आपका जो ऑर्थो सेंटर होगा सर, यही अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब एक बात बताइए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है सर, क्योंकि इस लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा तो 3 है, 3, k। अब चलिए अगर ये ए डी है, ये बी है, तो सर बी का स्लोप जो होगा सर एम बी गुना एम ए एफ ए सी, ये ए बी सी ए सी, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए।
इस लाइन का स्लोप, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ना है जी, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है, माइनस वन के बराबर होता है। एम बी, बी निकालो तो वाई टू माइनस वाई वन के माइनस जीरो अपॉन थ्री माइनस जीरो गुना, फिर ए सी का स्लोप तो फोर माइनस, ये आपका जीरो है, फोर माइनस जीरो अपॉन थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू कितना, माइनस वन, के अपॉन थ्री हो गया, यहाँ फोर अपॉन माइनस वन हो जाएगा बराबर माइनस वन, माइनस वन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, फोर के बराबर कितना हो जाएगा थ्री, इसलिए के का मान कितना गया बोलो भाई, थ्री बाय फोर, के का मान आ गया थ्री बाय फोर, और पहले से एक्स कोऑर्डिनेट पता ही है, इसलिए ऑर्थो सेंटर आपका हो गया, बोलो ऑर्थो सेंटर कितना हो गया बोलो बच्चा, एक्स कोऑर्डिनेट थ्री वाई कोऑर्डिनेट थ्री बाय फोर, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। तो मेरे भाई आज के क्लास में इतना ही, आज की क्लास छोटी थी थोड़ी, कल हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ओ जी एंड एच, ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच रिलेशन क्या होता है, स्पेशल केस पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड का, सर्कम सेंटर का, फिर इन सेंटर का, एक्स सेंटर का, सारे का स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बहुत अधिक मजा आने वाला है, पूरा इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए।